आपके पूर्व मंत्री संदीप कुमार की सेक्स सिटी कांड की जांच के लिए क्राइम ब्रांच ने विशेष टीम का गठन किया है। क्राइम ब्रांच सीडी की जांच दो चरणों में करेगी। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि सीडी बनाने का मकसद क्या था। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक यह भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि पूर्व मंत्री ने ब्लैकमेलिंग के इरादे से तो यह सीडी नहीं बनाई, सीडी बनाने के मकसद को लेकर संदीप कुमार से पूछताछ भी होगी, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि यह सीडी खुद संदीप ने बनवाई है। ऐसे में इन पर कानून तोड़ने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि विशेष जांच टीम पहले चरण में सीडी और अन्य जानकारी जुटाएगी। इस दौरान ओम प्रकाश समेत अनेक लोगों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। साथ ही सीडी में मौजूद महिला और फोटो में मौजूद लड़की की पहचान करने की भी कोशिश की जाएगी। वहीं दूसरे चरण में संदीप कुमार से पूछताछ की जाएगी। अगर फोटो में मौजूद लड़की या सीडी में मौजूद महिला के परिवार वाले शिकायत करेंगे तो विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। शुरुआती जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मंत्री से पूर्व मंत्री हुए संदीप कुमार सेक्स सिटी कांड में बुरी तरह फंस चुके हैं। हालांकि संदीप कुमार का कहना है कि वह निर्दोष हैं और वह वीडियो में है ही नहीं, लेकिन संदीप का सच क्या है ये तो जांच के बाद सबके सामने होगा। देखते रहिए टीवी लाइव।